हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ज्योग्राफी क्लास। फ्रॉम लास्ट वीडियो वी स्टार्टिंग द लेसन नंबर 6 लैंड यूज। इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीट सम पॉइंट्स। ट्राई दिस, ड्रॉ स्केच ऑफ योर हाउस, देन नेक्स्ट ट्राई दिस। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी परफॉर्म बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज। नाउ लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ लैंड यूज। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ लैंड यूज। रूरल लैंड यूज। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। यू नो स्टूडेंट, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, सो इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रोबेस एक्टिविटीज़ आर दी ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज। एग्रोबेस एक्टिविटीज़ मीन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रोबेस एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज। दिस इन्फ्लुएंसेज द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट्स। इन द दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू एग्रीकल्चर फील्ड एंड फॉरेस्ट एरियाज। दिस इन्फ्लुएंसेज द लोकेशन फॉर रूरल सेटलमेंट्स। एग्रोबेस एक्टिविटीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दिस इज कॉमन इन रूरल एरियाज। सो दिस इन्फ्लुएंसेज द लोकेशन फॉर द नेचुरल रूरल सेटलमेंट्स। एंड दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चर फील्ड एंड फॉरेस्ट एरियाज। सो दिस सेटलमेंट्स ऑल्सो लोकेटेड नियर अबाउट द एग्रीकल्चर फील्ड एंड फॉरेस्ट एरिया। द सेटलमेंट्स ऑफ माइनर्स आर क्लोज टू द माइनिंग एरियाज, वाइल फिशरमैन सेटलमेंट्स आर नियर द सी शोर। विच ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फिश सी शोर? नियर अबाउट द फिशरमैन सेटलमेंट आर नियर अबाउट द सी शोर। इन दिस वे माइनर्स आर क्लोज टू द माइनिंग एरियाज। इन रूरल एरिया द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर। यू नो स्टूडेंट, इन अर्बन एरिया लैंड अवेलेबिलिटी इज लेस बट पॉपुलेशन इज मोर। इज डिफरेंट इन रूरल एरियाज। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड द पॉपुलेशन इज लेस, हेंस पॉपुलेशन इज स्पेयर्स। स्पेयर्स मीन्स रेयर। इन रूरल एरिया द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज इज लेस। लैंड यूज इन रूरल एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। इन रूरल एरियाज द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया इज लेस एंड लैंड यूज इन रूरल एरिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग मैनर। अरेबल लैंड, दिस इज द लैंड अंडर कल्टिवेशन। नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। अरेबल लैंड इज अंडर कल्टिवेशन। नॉर्मली दिस लैंड इज इंडियल इंडिविजुअल ओनरशिप मीन्स पर्सनली। दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप एंड ऑफ लैंड एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट इज फॉलो लैंड। दिस इज फॉलो लैंड इज द एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्पररी नॉट इन यूज। This land is not used in temporarily. In order to improve the fertile of the soil, the farmer does not use a part of his agricultural land for one or two season. Forest land. Demarcated forest land area is also type of rural land use. This land also use the type of rural land use. From this area, forest products like firewood, gum and grass are obtained. Forest comprise the large trees, bushes, creepers and grass. Our next land is forest land. A demarcated forest area is also type of rural land use. From this area, forest products like firewood, gum, grass are obtained. Forest comprise a large trees, bushes, creepers and grass. Then next is grassland or pasture land. This is not used personally. This land is under the ownership of village panchayat or the government. Grassland, this land is under the control of village panchayat or government and is used for grazing purpose. For cattle grazing, this land is purpose the using of cattle grazing purpose. This land belongs to a fertile village. Very little grassland is under individual ownership. Then urban land use. And last point, rural land use. This point is urban land use. There has been an increase in urban settlements in the 20th century. In urban areas, land is used for different purposes. It is necessary to make maximum use of land. In urban areas with reference to population, land is limited. You know student, in last point, in rural area, land is more but population is less. But in urban areas, land is less but population is more. In urban areas with reference to population, the land is limited. Therefore, the distribution of population is dense. Urban land use can be classified into following manner.